हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में मैं एक डेल्टा विंग आरसी प्लेन बना रहा हूँ। और मैं हमेशा की तरह 10 mm की थर्माकोल शीट पर विंग का डायमेंशन ड्रॉ कर ले रहा हूँ और उसे काट ले रहा हूँ। और इसे मैं मजबूत बनाने के लिए सेलो टेप से इसे लैमिनेट कर दे रहा हूँ। और मैं आइसक्रीम स्टिक को जोड़कर एक लंबा सा स्टिक बना रहा हूँ। फिर दोनों विंग को इस तरीके से चिपका देना है। और इस स्टिक को मैं विंग पर इस तरीके से चिपका दूंगा, इससे विंग थोड़ा मजबूत बन जाएगा। मैंने विंग के साइज का एक और टुकड़ा काट के रखा था जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, पर ये नीचे से 8 cm छोटा रहेगा। इससे एक अच्छा एयर फॉइल बनेगा। मैं एलरॉन और एलिवेटर के लिए विंग से ही हिस्सा काट के निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर जो एलरॉन और एलिवेटर का ब्रेथ है वो 5 cm है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एवलॉन्स नहीं बनाया हूँ, मैं एलरॉन और एलिवेटर को अलग अलग रखा हूँ। तो एवलॉन्स नहीं बनाने का रीज़न ये है कि मेरे को एवलॉन्स के लिए प्रोग्रामिंग फिर से शुरू से करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं अभी के लिए एलरॉन्स और एलिवेटर को अलग अलग रख रहा हूँ। तो अभी मैं मोटर माउंट और कंट्रोल हॉर्न्स लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्वो मोटर भी लगा दिया। तो अभी मैं फ्यूजलाज का एरिया बना रहा हूँ जहाँ पर मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। तो यहाँ पर मैं 2 थर्मोकोल का टुकड़ा चिपका दे रहा हूँ जो कि एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, ये पीछे से थोड़ा स्लैंट है। अब मैं यहाँ पर मोटर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को लगा दे रहा हूँ। तो इस प्लेन का नोज का डिज़ाइन मैं पहले से बना कर रखा था, तो अभी मैं इसे लगा दे रहा हूँ। इस प्लेन का नोज मैंने कैसे बनाया इसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बाद में बनाऊंगा। और फिर फ्यूजलाज को कवर करने के लिए ऊपर से थर्मोकोल का टुकड़ा चिपका देना है। तो अभी मैं इसका वर्टिकल स्टेबलाइजर भी लगा दे रहा हूँ। अभी मैं इसके लीडिंग एज को स्मूथ एंड राउंडेड बनाऊंगा और उसके बाद चार्ट पेपर से पूरा प्लेन में डिज़ाइन बना दूंगा। क्या हो? मैं तो नहीं आ रहा हूँ वीडियो। वीडियो बना लेते।
ये गोल घूम के ना यहाँ आ जाता ना टूट जाता इस साइड। वैसे ये प्लेन कुछ खास उड़ा नहीं, पर इस प्लेन को बनाकर बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लेन सीधा सीधा तो उड़ रहा है, पर जब मैं इसे लेफ्ट या राइट टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पूरा प्लेन पलट जा रहा है। शायद मैंने जो एलरॉन और एलिवेटर को अलग अलग बनाया था उस वजह से प्लेन के स्टेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर इसके सीजी कैलकुलेट करने में कोई गड़बड़ हुआ होगा। तो मैं जब इस प्लेन को दोबारा बनाऊँगा तो इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।